Our next topic is relative atomic mass and atomic unit. सही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, दैट वी गोना स्टडी अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कंपेयर्ड टू कार्बन C12. रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एटम के मास को, वजन को एक कंपेयर किया करते हैं उसको कार्बन C12 से. कार्बन के तीन टाइप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14. यानी कि एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, एक का होता है 13 ग्राम और एक का होता है 14 ग्राम. उसमें से हम जो एटम के मास को कंपेयर करते हैं वो करते हैं उस कार्बन के साथ जिसका मास 12 हो, उसको हम C12 कहते हैं. तो जो भी हमारा मास निकलता है उसके कंपैरिजन के बाद, दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास. जब मास कैलकुलेट हो जाता है तो जो आंसर जो भी निकलेगा हमारा, वी यूज द यूनिट AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट. यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द कंपैरिजन ऑफ द मासेस ऑफ एन एटम विद C12 कार्बन, और द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, which is denoted by AMU. Okay, and then next we have formula. Formula ये होता है, एक chemical formula होता है in which the elements, उनके जो हम लोग shorthand use करते हैं, the shortcuts and abbreviations जो use करते हैं, that is known as chemical formula. अब chemical formula जो होता है उसको represent करने के लिए we have two types, empirical formula and molecular formula. चाहिए? एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि हम लोग मिनिमम रिलेटिव नंबर्स निकालते हैं. यानी कि हम क्या करते हैं कि जो भी फॉर्मूला गिवन है हमें, केमिकल फॉर्मूला, उसमें जो नंबर्स गिवन है उसके हम लोग रेशियो निकाल के उसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, मिनिमम करते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया C6H12O6. तो इसमें उन्होंने क्या किया, CK के पास क्या है रेशियो 6, H का रेशियो क्या है 12 एंड देन O का रेशियो क्या है यहाँ पास 6. तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, एक्चुअल रेशियो क्या आ गया, C6:12:6. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 6 की टेबल लगा लेंगे सब पे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 एंड 6 × 1 = 6. तो 1:2:1, तो ये बन जाएगा आपका CH2O. तो ये आप जब सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो को, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला. और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो दैट मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, वो एक्चुअल नंबर को शो नहीं करता. एम्पिरिकल फॉर्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट. एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें ये जरूर पता चलता है कि कौन से एलिमेंट से वो चीज तैयार हुई है. ओके, सो वी हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम मौजूद है और वो एटम कितने मिकदार में मौजूद है, कितने अमाउंट में मौजूद है, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिराइव फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम. यानी कि जो हम वजन निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का, वो हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस्तेमाल करके निकालते हैं. लाइक सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं C6H6 का. तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 का वजन होता है 12, H का वजन होता है 1. तो 12 × 6 = 72 एंड 6 × 1 = 6. 72 + 6 = 78. तो यानी कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का वजन निकालना चाह रहे हैं तो वी विल ऑलवेज यूज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज नहीं करते टू फाइंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड देन द थर्ड पॉइंट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. कभी कभी एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मे बी सेम, कभी कभी ऐसा होता है, और अक्सर ये होता है कि उसका मल्टीपल होता है. लाइक यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया था C6H6. अब इसमें क्या होगा रेशियो आपके पास 6:6, वो सिंप्लीफाई होके
वन बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लेट्स सपोज वाटर का निकालते हैं, या यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है सीओ टू का, तो ये आपका रेशियो क्या बनेगा, 1:2। तो इसमें क्या होगा, 1:2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख ले, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम। इसी तरीके से ग्लूकोज का देख लेते हैं, CH2O, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। सो डिफरेंट है हमारे पास, लेकिन अगर देखें, अगर आप यहाँ पे तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×1=6, 6×2=12, 6×1=6, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में भी सेम, कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्म सेम होता है, और कभी कभी वो मल्टीपल होता है, यानी वो किसी का मल्टीपल बन जाता है वो, सही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्म दोनों सेम हो सकते हैं, और कभी कभी वो मल्टीपल होते हैं, तो दोनों आपके पास यहाँ पे कैटेगरी गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। एंड देन वी हैव एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। Okay, so the atomic number of a is number of protons present in the nucleus of atom of any element. यानी कि एक element के अंदर कितने protons मौजूद हैं, that would be the number atomic number. It is represented by symbol Z. यानी Z से हम atomic number को symbolize करते हैं. All atoms of an element have same atomic number. Element कोई भी हो, लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एलिमेंट कोई भी हो, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। यानी कि अगर जैसे हमने पहले एग्जांपल दे दिया कार्बन के, वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, C12, C13 एंड C14, लेकिन तीनों के अगर आप एटॉमिक नंबर लेंगे, तीनों का एटॉमिक नंबर वुड बी 6। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर तब्दील नहीं होता किसी भी एटम के अंदर, इस वजह से चाहे वजन तब्दील हो जाए, एटम का नंबर, जो प्रोटॉन का नंबर है वो सेम रहेगा। तो उस वजह से आपका जो एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का, डेट वुड ऑल्सो रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑल ऑक्सीजन एटम्स दे हैव 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर इज 8। ऑक्सीजन में कोई भी आप ऑक्सीजन ले लें, चाहे आप पाकिस्तान का ऑक्सीजन ले लें, खैरपुर का ले लें, सिंध का ले लें, आप कराची का ले लें, हैदराबाद का ले लें, पंजाब के किसी शहर का ले लें, कहीं से भी आप ऑक्सीजन का एटम उठाएंगे, उसका एटॉमिक नंबर वुड ऑलवेज बी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी 8। फिर आता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों का जो सम होता है, प्लस जो हम करते हैं, ऐड जो करते हैं, सम निकालते हैं, दैट इज एटॉमिक मास। अब उसमें क्या है, कह रहे हैं कि जो वजन होता है किसी भी एटम का, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यानी कि जो एटॉमिक मास होता है, दैट इज द सम, यानी कि प्लस या एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ atom of any element. It is represented by symbol A and calculated by A is equals to Z plus N. Z क्या है? Atomic number है. So atomic number हमने कह दिया कि atomic number जो है वो number of proton show करता है. तो यहाँ पे जो N है that shows number of neutrons. और definition कह रहा है कि number of proton को number of neutrons से add करेंगे तो हमें atomic mass मिलेगा. तो formula वहाँ क्या बना? A is equals to Z plus N. Now, but an example they did, let's suppose nitrogen atom have 7 number of protons and 7 number of electrons. Oh, sorry, 7 number of neutrons hona chahiye idhar. Kyunki definition keh raha hai, it should be addition of protons and neutrons. Okay, so nitrogen ke paas 7 number of protons bhi hai, 7 number of neutrons bhi hai. The atomic mass mein hum log kya karenge, 7 plus 7, 14 ho jayega humare paas. Okay? अब यहाँ पे उन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, यानी एक एलिमेंट गिवन है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 11 गिवन है एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या गिवन है? 11। तो यानी हमारा जो एटॉमिक नंबर हो गया वो क्या बन गया आपके पास? 11। एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स
एंड न्यूट्रॉन्स, तो उससे क्या बना के आपका जो एटॉमिक नंबर मास क्या बना आपका 11 प्लस 12 एंड दैट वुड बी 23। यहाँ पे उन्होंने वही चीज शो किया, एज वी नो द एटॉमिक नंबर जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्यू के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 11। अब एटॉमिक मास उन्होंने कहा कि वो होता है एडिशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है हमारे पास 11, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने गिवन है 12। सो हमारे पास क्या आ गया 11 प्लस 12 दैट इज 23। और अगर आप पीरियड टेबल में देखेंगे तो ये आपके पास आता है सोडियम एंड ए, सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 और उसका वजन होता है 23। सो दिस एलिमेंट जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज सोडियम। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल में उल्टा कर दिया, इस बार हमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड एटॉमिक नंबर्स 20। यानी कि उन्होंने इस बार पहले उन्होंने क्या किया था हमें कि यहाँ पे उन्होंने हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर दे दिए थे और हमें कहा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। अब कह रहे हैं कि आपके पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करें। अब डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्योंकि जेड 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पास 20 होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज जेड, तो जेड की वैल्यू 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होगा। फिर हमें यहाँ पे बता दिया गया था दैट एटॉमिक मास जो होता है वो जेड प्लस एन होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें प्रोटॉन का नंबर पता चल गया 20 है, हमें एटॉमिक मास मालूम है 40 है, तो n को यहाँ से जब हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से यानी उसकी साइड्स तब्दील करेंगे तो ये आपका प्लस का जो साइन है वो बन जाएगा माइनस। सो दैट बिकम्स कि यहाँ पे जो z है हमारा जब मूव कर गया यहाँ इस तरफ दैट बिकम्स n इज इक्वल टू a माइनस z, तो 40 हमारे पास गिवन था सवाल में, 20 भी गिवन था सवाल में, उसको माइनस करके 20 आ गया आपके पास। और अगर आप पीरियडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक नंबर जिसका 20 और मास जिसका 40 है दैट इज कैल्शियम, Ca कैल्शियम। यानी उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने दिया था एलिमेंट का दैट इज सोडियम Na, और जो सेकंड एलिमेंट का जो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है वो है कैल्शियम Ca का। आफ्टर दैट वी हैव मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास मैथमेटिकली जो है ये इसका जो कैलकुलेशन का तरीकाकार है दैट इज सेम। यानी जैसे हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम लोग फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन केमिस्ट्री द डेफिनेशन इज अ बिट डिफरेंट। मॉलिकुलर में क्या होता है दैट वी कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल अगर हमें गिवन है और उसका मास निकाल रहे हैं, वजन कैलकुलेट कर रहे हैं, देन इट इज मॉलिकुलर मास। बट इफ वी आर फाइंडिंग द मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट, यानी किसी कंपाउंड का हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा फॉर्मूला मास। यानी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला मास और मॉलिकुलर मास में क्या फर्क है, फॉर्मूला बन जाएगा आपका कंपाउंड का मास। यानी एक कंपाउंड का आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपाउंड का क्या वजन आ रहा है दैट इज फॉर्मूला मास। लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल का फाइंड करने की कोशिश करेंगे सो दैट वुड बिकम मॉलिक्यूलर मास। सो यानी एक वर्ड का फर्क है सिर्फ। मॉलिक्यूलर क्या है, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी एक मॉलिक्यूल का क्या वजन बनता है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। बट फॉर्मूला मास क्या है, द आयनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स, क्या है, फॉर्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। ठीक है, आप फॉर्मूला यूनिट बोलें या कंपाउंड बोलें इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। ओके, सो यानी कि डिफरेंस इज ओनली बिटवीन दैट मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन तरीकेकार कैलकुलेशन जो करने का तरीकेकार है आपका दैट इज मैथमेटिकली सेम, तरीका सेम है। जैसे उन्होंने यहाँ पे फाइंड करने को कहा है दैट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ओके, सो HNO3 में हमें पता है H हमारे पास सिंगल एटम है, N मेरे पास सिंगल एटम है, O 3 एटम्स है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अब H का वजन क्या है 1, N का वजन क्या है 14, O का वजन है 16। उसकी बात क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि H में जो सॉरी नंबर ऑफ एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स। अब H के पास क्या है, वन एटम है, ना आगे कोई नंबर गिवन है ना पीछे, ना लेफ्ट में कोई नंबर गिवन है ना राइट में, सो द नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन इज 1। इसका वजन क्या है, 1 amu, सो 1 टाइम 1 इज 1। n
एन के अगेन लेफ्ट में भी कोई नंबर नहीं है, राइट में भी कोई नंबर नहीं है, सो द नंबर ऑफ एटम्स इज वन. तो यहाँ पे वन हमारे पास नाइट्रोजन आ गया. एंड देन नाइट्रोजन जो है वजन होता है 14 AMU, सो वन टाइम 14 इज 14. ओके राइट मैम, वी हैव थ्री, सो दैट मीन्स वी हैव थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट वुड बिकम के ओ का मास जो है वो 16 होता है, सो थ्री टाइम 16 इज 48. उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 14 प्लस 48, दैट वुड बिकम 63 AMU. अब चाहे यहाँ पे मॉलिक्यूलर लिखा हुआ होता, चाहे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ होता, चाहे यहाँ पे मोलर मास लिखा होता, उससे फर्क नहीं पड़ता. किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल के तरीका क्या होता है कैलकुलेशन फाइंड करने का, देन हम लोग नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मास से, एटॉमिक मास से. ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आखिर में यूनिट AMU यूज करेंगे. ओके देन वी हैव द सेकंड एग्जांपल, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 3. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कंपाउंड गिवन है, तो दे हैव यूज फॉर्मूला मास. अब देख लेते हैं Al के, देखें राइट पे हमारे पास है टू एटम्स, सो हमने लिख दिया कि Al हैज टू एटम्स. अब Al का मास है 27, सो वी यूज 27 लिख दिया हम लोगों ने. अब S के राइट पे देखें कोई नंबर नहीं है, बट ब्रैकेट के बाहर वी हैव 3. सो जब नंबर नहीं होता वी विल कंसिडर इट इज एज 1, एंड देन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वी हैव 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3. यानी मैथमेटिक्स में अगर आपके पास ब्रैकेट गिवन होता है और कोई भी आपके पास ऑपरेशन यानी कोई साइन गिवन नहीं होता, सो वी कंसिडर इट मल्टीप्लीकेशन. तो हम लोग क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 टाइम 3 इज 3. एंड देन ओ के देख लें, ओ के राइट में वी हैव 4, एंड अगेन ब्रैकेट के बाहर वी हैव 3, सो 4 टाइम 3 इज 12. तो यानी एस के 3 एटम्स हो गए, ओ के 12 एटम्स हो गए. एस का मास है 32, सो वी हैव रिटन 32. ओ का मास है 16, तो उसका बस 16 कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे उसका मास निकालेंगे पूरे फॉर्मूला का. सो Al का है हमारे पास 27, 27 टाइम 2 इज 54. S का मास है 32, 32 टाइम 3 इज 96. O के एटम्स है 12 एंड देन मास इज 16, 12 टाइम 16 इज 192. जब हम इस सबको ऐड करेंगे इट वुड बिकम 342. Next we have gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. Okay, so we're going to be talking about this. So basically, आप इसको जो है atomic mass, molecular mass and formula mass भी कह सकते हैं. Gram का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग units gram लगाएंगे. जैसे previous में आप लोगों ने notice किया होगा, जब पहले जब हम atomic mass, molecular mass and formula mass पढ़ रहे थे, तो उसमें unit जब हम use कर रहे थे, that was AMU. मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट. बट फॉर सम रीजंस इंस्टेड ऑफ फॉर एटॉमिक मास यूनिट वी यूज ग्राम, तो हम लोग उसमें फिर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास यूज करते हैं. और इसको जो है इन तीनों को भी हम मोल भी कहते हैं. ओके, सो लेट्स बस डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम यूनिट यूज करते हुए बताएं, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन मोल. यानी किसी भी एलिमेंट का वन मोल, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम यूनिट यूज करते हुए एक्सप्रेस करें, देन दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, और वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है क्योंकि उसका एटॉमिक मास 16 है. सेम 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स, दैट इज ऑल्सो 1 मोल ऑफ कार्बन. 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी एटॉमिक मास को इंस्टेड ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे अगर आप ग्राम यूज करते हैं यूनिट, तो वो हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास. Next we have is gram molecular mass. The molecular mass of an element or a compound expressed in gram is called gram molecular mass. Yani ki agar aap kisi bhi element ka ya compound ka molecular mass calculate karenge, then agar aap us mass ko, molecular mass ko grams unit use karte hue express karenge, then the mass will be known as gram molecular mass. It is also called as 1 mole.
ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का 1 मोल आप निकालेंगे, एंड मोल इज एनीथिंग एक्सप्रेस इन ग्राम, तो अगर आप ग्राम यूनिट यूज करेंगे देन ऑटोमेटिकली इट्स अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सी तो ऑक्सीजन का देखें, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ठीक है, अब उन्होंने कहा 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो यानी 2 हो गया, 16 टाइम 2 इज 32, 32 ग्राम बन गया इनका मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से वाटर का है H2O, H का 2 हो गया क्योंकि नीचे 2 दिया हुआ है उन्होंने सबस्क्रिप्ट में, एंड O इज 16, 16 प्लस 2 इज 18। इसी तरीके से इथेनॉल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है, दैट इज C2H5OH, वो बन गया आपका 46 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है कि अगर आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं यूजिंग द यूनिट ग्राम्स, तो आप जो है उसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर सवाल में आपको कैलकुलेट कहा गया है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप सॉल्व करने के बाद आखिर में आंसर में ग्राम डालेंगे। इसी तरीके से इफ यू आर सॉल्विंग एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यू हैव टू यूज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आफ्टर दैट वी हैव ग्राम फॉर्मूला मास। The formula mass of an ionic compound expressed in grams is called as gram formula mass. It is also called as 1 mole. यानी किसी भी ionic compound के formula mass calculate करेंगे, अगर we are going to use the unit gram, again it's a gram formula mass. And since we are using the unit gram, तो यानी कि वो हो जाएगा 1 mole के बराबर. Like 1 gram formula mass of NaCl is 58.5, क्योंकि Na होता है 23 grams. Cl होता है 35.5 ग्राम, ऐड कर लेंगे 58.5 ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यस लाइमस्टोन कहते हैं, दैट इज 100 ग्राम। तो ये आपका ग्राम फॉर्मूला मास होगा, यानी ग्राम जब आ जाएगा किसी मास से पहले तो वी हैव टू यूज द यूनिट ग्राम। अगर ग्राम का जिक्र नहीं है देन वी विल यूज द यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट वी हैव मोल। आपने प्रीवियस वाले डेफिनेशंस में नोटिस किया होगा दैट द ग्राम फॉर्मूला मास, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, सब में कहा गया था दैट दे आर ऑल 1 मोल। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या कॉमन चीज आ रही है, दैट ऑल ऑफ दीज मासेस आर बीइंग एक्सप्रेस इन ग्राम्स। सो द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर 6.02 times 10 power 23। ठीक है, यानी एक आप एलिमेंट ले रहे हैं या एक एटम ले रहे हैं, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 power 23 अगर पार्टिकल्स मौजूद हैं उसका वजन कितना होगा, दैट इज मोल। यानी अगर आप मॉलिक्यूल भी ले रहे हैं, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक लेट्स सपोज NaCl का मास आ रहा है 58.5, इन 58.5 ग्राम्स के अंदर कितने आपके पास आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक यूनिट्स होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है 16 ग्राम इन 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या है कि 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन में अगर हम 16 ग्राम लेंगे तो वो 16 ग्राम बराबर होगा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या है 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 6.02 मतलब 10 पावर 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो ये कॉन्स्टेंट उन्होंने दे दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। तो इतने अगर पार्टिकल्स किसी चीज में मौजूद होगा तो उसका जितना ही वजन बनेगा दैट विल बी अ मोल, चाहे वो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला मास हो, इफ इट्स बीइंग एक्सप्रेस इन ग्राम्स देन इट इज नोन एज मोल। ओके,